हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सियान इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन लाइव क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस लेसन नंबर 8, सो डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी पार्ट नंबर 2। टुडे द लास्ट वीडियोस ऑफ दिस लेसन। प्रीवियस वीडियोस के अंदर सो डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर हमने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं, 7 डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो स्टूडेंट्स नया जो टॉपिक है वो वाउचर्स है। वाउचर क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और किस काम आता है? वाउचर्स हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में भी पढ़ा था। वाउचर वाउचर क्या है, वाउचर से आप क्या समझते हैं? देखिए, वाउचर का जो मीनिंग है वो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए, ऑन द बेस बेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। सो डॉक्यूमेंट्स में क्या बनाया था आपने? देखिए, हमने कैश मेमो, बिल जिसे इनवॉइस भी कहते हैं, रिसीप्ट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे स्लिप एंड चेक, ये 7 चीजें हमने पढ़ी थी। ये कहता है कि इनके आधार पर सोर्स डॉक्यूमेंट्स को हम बेस बनाकर वाउचर में जो भी ट्रांजेक्शन होगी उनको हम राइटिंग करेंगे, लिखेंगे इन द वाउचर। वाउचर इज द बेस ऑफ, हम ये कह सकते हैं जो वाउचर बनाया जाता है बेसिस ऑफ द रिकॉर्डिंग इज मेड ऑन जर्नल। हम अगला लेसन पढ़ेंगे जर्नल का। जो बिजनेस में इनको डॉक्यूमेंट के आधार पर वाउचर में जो लिखेगा राइटिंग करते हैं, एक सेपरेट नेम है जिस पे कंपनी का नाम होता है बिजनेस का, उसके लिए जो राइटिंग की जाएगी आधार जनरल की जो एंट्री होगी उसे वाउचर कहते हैं। तो वाउचर का मीनिंग क्या है कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेट फॉर्म्स ऑफ देयर ओन नेम। वाउचर सेपरेट प्रिंटेड होता है, बिजनेस का जो नाम होता है इसमें जो भी लिखा जाता है, जो राइटिंग होगी वाउचर के टाइप्स हम पढ़ेंगे। वाउचर में क्या लिखा जाता है, जो जर्नल ओरिजिनल एंट्री जो हम करेंगे जर्नल की, उसके लिए बेस बनता है वाउचर। तो आप ये कह सकते हैं इनके आधार को देखकर हम सब फिर वाउचर में लिखते हैं। वाउचर में जो लिखा जाता है वो किस पर्पज के लिए लिखा जाएगा, हम अगला लेसन जो जर्नल का पढ़ेंगे उस जर्नल एंट्री करने के लिए वाउचर को यूटिलाइज किया जाता है। वाउचर में क्या होता है, एक सेपरेट नाम जो बिजनेस का खुद का नाम है, एक राइटिंग पत्र होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, हमें कहीं एक ऐसा कागज का टुकड़ा होता है जिसका वाउचर में हम जो टाइप पढ़ेंगे तो कौन कौन से वाउचर होते हैं, वाउचर का फॉर्मेट आपके सामने आएगा, वाउचर क्या होता है। तो हम उसके अंदर बकाया सीरियल नंबर होता है वाउचर के अंदर, उस फर्म का नाम होता है, डेबिट और क्रेडिट होते हैं जिसके आधार पर जनरल की एंट्री होती है। तो ये तो था मीनिंग। तो मीनिंग में आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सोर्स डॉक्यूमेंट में जो भी ट्रांजेक्शन हुई इन ट्रांजेक्शनों को देखकर हम वाउचर में जो भी राइटिंग करेंगे लिखते हैं, किसलिए लिखते हैं, जनरल के लिए लिखते हैं, और उससे हमसा सेपरेट नेम से वाउचर होता है जिसका नाम लिखा होता है। अब डिफरेंस पढ़िए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर में अंतर क्या है, फिर उसके बाद टाइप पढ़ेंगे क्योंकि लेसन कंप्लीटेड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिस ऑफ डिफरेंस सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स
दोनों का डिफरेंस करेंगे। चार डिफरेंस दे रखे, देखो क्या है। सबसे पहले स्पोर्ट, स्पोर्ट माने होता है मदद करना। सोच डॉक्यूमेंट क्या सपोर्ट करता है, किसकी सपोर्ट कर रहा है? ये वाउचर की सपोर्ट कर रहा है, इसकी सपोर्ट टू वाउचर, क्योंकि इसको देखकर वाउचर बनाया जाता है और कहता है वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और वाउचर वाउचर इसके आधार पर बना है। तो ये टू है तो ये बाई है। वाउचर सोर्स और डॉक्यूमेंट्स के लिए सपोर्ट करता है, और सोर्स और डॉक्यूमेंट वाउचर को सपोर्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। हम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को देखकर अपने वाउचर बनाते हैं, और वाउचर को देख के बता देते हैं भाई ये ट्रांजेक्शन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हुई थी। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। नंबर दो, प्रिपेयर्ड, इसमें है नोट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। देखो सोर्स और डॉक्यूमेंट तो अलग अलग बनते हैं। अभी मैंने बताया लिखा था कैश मेमो अलग बनता है, बिल्स इनवॉइस अलग बनते हैं, रिसिप्ट अलग बनते हैं। तो नोट प्रिपेयर ट्रांजेक्शन अलग अलग हो रही है, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रही, और इसका पर्पज है वाउचर और ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड प्रिपेयर जो होगा बनाया जाएगा उसमें प्रिपेयर और ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी रिकॉर्डेड होगी ऑल टू ऑल। देखो इसमें कैश में बहुत कैश की कैश ही बिल लिखेंगे, खाली बिल में क्रेडिट भी लिखेंगे, रिसिप्ट में जो पैसा मिला वो लिखेंगे, चेक में जो चेक काट के वो लिखेंगे। तो ट्रांजेक्शन नोट प्रिपेयर, इसमें ऑल ट्रांजेक्शन आर प्रिपेयर, सारी ट्रांजेक्शन लिखी जाएगी ऑल टू ऑल, जो बिजनेस ने डे टू डे शुरू से लेकर टिल टू एंडिंग तक जो भी ट्रांजेक्शन होगी सारी वाउचर में राइट डाउन होगी। थर्ड, कंटेंट्स और फुल डिटेल्स, इसमें कंटेंट्स क्या होती है, फुल डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन, और इसमें क्या होती है, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द अकाउंट डिटेल्स। विवरण, इसमें क्या होता है, जो भी आप उसकी ट्रांजेक्शन की डिटेल होगी, कैश मेमो में कैश मेमो की फुल डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन, और डियर स्टूडेंट वाउचर में ऑल टू ऑल डिटेल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, कौन सी चीज डेबिट हुई है, क्या क्रेडिट है, और ट्रांजेक्शन डेबिट क्या किया गया है, क्रेडिट क्या है। ट्रांजेक्शन को बेस मानकर हमने कहा कि हमारे डुअल एस्पेक्ट होते हैं, टू साइड्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो इन बेसिस आधार है, बेस है डेबिट और क्रेडिट, इन चीजों को लिखा जाता है इसके अंदर, इन बेसिस ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। एंड फोर्थ पॉइंट, एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये एविडेंस है ट्रांजेक्शन का आधार। जो ट्रांजेक्शन अभी कहा कि फुल डिटेल बनाई जाती है, तो ट्रांजेक्शन का एक आधार है, एविडेंस है। और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये डॉक्यूमेंट टू करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, सारी जो करेक्ट रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो करेक्ट रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजेक्शन। एविडेंस फिर सुन लीजिए, ये सीधी सी बात आप अपने आप ही डिफरेंस को समझ जाएंगे। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलग अलग डॉक्यूमेंट जैसे करते अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, और वाउचर एक इकट्ठा वर्ड है, वाउचर इसके लिए ये इसके लिए, दोनों एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट बनाया प्रिपेयर्ड, ये अलग अलग बनाया जाता है,
नॉट प्रिपेयर मतलब ट्रांजिशन जो होती है वो अलग अलग, तो लेकिन ये जो प्रिपेयर होता है सभी के लिए रिकॉर्डेड जो भी कर रखा है टोटली वाउचर में सब कुछ लिखा जाता है, डिटेल ट्रांजेक्शन की एक कैश मेमो की डिटेल मिलेगी आपको, बिल में इनवाइस की मिलेगी, चेक में चेक की डिटेल मिलेगी, इसमें सारी डिटेल मिलेगी टोटली डेबिट और क्रेडिट क्या हुआ है ट्रांजेक्शन, ये एविडेंस उस ट्रांजेक्शन का एविडेंस है जो आपने जैसे कैश मेमो का बिल्स का, और इसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड की जाती है करेक्ट रिकॉर्डिंग टोटली रिकॉर्डेड किए जाते हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन करेक्ट बेस पर होती है। तो दीज आर द फोर डिफरेंस बिटवीन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द वाउचर, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, वाउचर में क्या क्या चार टाइप्स, कैश वाउचर तो दूसरा नॉन कैश होगा, नॉन कैश वाउचर का दूसरा नाम है ट्रांसफर वाउचर, इसे ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। ओके, कैश वाउचर के दो टाइप है, हम बाद में जैसे दिन और रात सुख दुख होता है वैसे कैश वाउचर के दो टाइप क्या होगा, एक डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर। अब डेबिट कौन सा क्रेडिट कौन सा वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कैश वाउचर क्या होगा, कैश वाउचर सच एज द ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस। कैश वाउचर एक ऐसा होता है जो प्रिपेयर फॉर द ओनली कैश ट्रांजेक्शन, केवल नगद जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए, चाहे वो डियर स्टूडेंट कैश रिसिप्ट हो चाहे कैश पेमेंट हो। देखो कैश हमारे पास आता भी है कैश जाता भी है, अब वो तो रिकॉर्डेड कैसे होगा, ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, कोई माल बेचते हैं तो कैश आता है, माल खरीदते हैं तो पैसा जाता है, तो पता लग गया आपको कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट आर शोन इन द कैश वाउचर। और कैश वाउचर में डियर स्टूडेंट सबसे पहला क्या पढ़ रहे हो आप, डेबिट वाउचर फॉर द कैश पेमेंट। आप देखिए इसने सीधी कह दी जो डेबिट वाउचर बनता है फॉर कैश पेमेंट, पैसा जाएगा जाएगा तो डेबिट वाउचर बनेगा, और क्रेडिट वाउचर कब मिलेगा, जब कैश रिसिप्ट होगा। क्लियर आ गया, आप डेबिट वाउचर मेंटेन ऑन द कैश पेमेंट, जो भी मैं भुगतान करूंगा, अब भुगतान कहां पे करता हूं मैं लिख देता हूं, नंबर एक कैश परचेज, आपने गुड्स खरीदे, गुड्स आएगी पैसा जाएगा, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी मैं इन्वेस्टमेंट खरीदता हूं, कोई भी मैं एसेट्स खरीदता हूं, किसी भी प्रकार की मैं पेमेंट क्रेडिटर की करता हूं, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेंसेस हो रहा है रिगार्डिंग ऑफ दिस कैश पेड इन टू बैंक, भाई सारी सीधी बात ये आई है 500 ट्रांजेक्शन में रुपया जा रहा है। तो डेबिट वाउचर ऐसा है जिसमें माल आपके पास आएगा और कैश की पेमेंट होगी, इसे हम डेबिट वाउचर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर में कैसे बनता है, अब इसका फॉर्मेट देख लीजिए डेबिट वाउचर का, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द डेबिट वाउचर, ये कैसे बनता है, कभी इस प्रकार से एक कागज के टुकड़े पर जैसे रुपए होता है वैसे एक साइड ऐसा होती है, इधर के स्टूडेंट्स जो रिसीव्ड जो पैसा वो प्राप्त करते हैं जिसमें पेमेंट करेंगे और इस पे रिवेन्यू स्टैंप लगती है, जो ट्रांजेक्शन 5,000 रुपए से ज्यादा होगी उसके लिए एक स्टैंप टिकट लगाएंगे, एक रिवेन्यू स्टैंप बोलते हैं, उसके ऊपर सिग्नेचर हो जाते हैं जिसने वो पैसे प्राप्त किए हैं रिसीव्ड किए, ठीक है, जो रिसीव करेगा।
आपकी फर्म का नाम यहाँ पे मैसर जो भी नाम है, नाम लिखा होता। मैंने कहा था ना बिजनेस का खुद का अपना नाम लिखा होता है। यहाँ पे वाउचर नंबर होगा, कितना नंबर, 1 2 3 4 5 जो भी वाउचर, और कितनी तारीख को डेट जो ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, अभी मैंने कहा यहाँ लिखेंगे डेबिट, ठीक है, क्योंकि डेबिट है। कितना पैसा आपने दिया, यहाँ पे लिखेंगे कैश मिनिमम नंबर, जो बिल नंबर कहता है, ठीक है। खाली डेबिट होगा, टोटल यहाँ अमाउंट आ जाएगा कितना टोटल है, और यहाँ पे सिग्नेचर होता अकाउंटेंट, और यहाँ सिग्नेचर होता मैनेजर। खाली डेबिट वर्ड आ रहा है, आप सुनो ध्यान से, कैसे डेबिट वर्ड, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमने, इसने दे रखा है एक ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, मतलब कंप्यूटर खरीदे, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आया डेबिट में, डेबिट वर्ड कम्स इन, आपके पास कंप्यूटर आए, तो डियर स्टूडेंट्स आप लिख देंगे यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, कि मेरे पास ये आया है, और गया क्या है, आपने फिलिंग द जो भी खरीदा है उसने कैश मेमो काट के दी होगी आपसे, उस व्यक्ति ने उसके नंबर यहाँ पे डाल देंगे, जो मैं कंप्यूटर खरीद के लेके आया हूँ, तो कंप्यूटर की मैंने पेमेंट करी होगी, मेरी जेब से पैसा गया होगा, उस व्यक्ति ने मुझे कैश में वो दी होगी, उस पर नंबर होंगे, वो नंबर लिख दूंगा, ऑफिस इक्विपमेंट मेरे पास आ चुके हैं, पैसा मेरे पास चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रुपया भेजे से 30,000 रुपये, टोटल 30,000 रुपये। तो ये था फॉर्मेट जो स्टूडेंट्स डेबिट वाउचर, क्लियर। जहां वो कैंडिडेट लिख देगा रिसीव्ड विद थैंक्स, इतना रुपया भाई मैंने 30,000 रुपये प्राप्त कर लिया, यहां पर जो लिखा है रिसीव्ड रुपीज एज वेल एज, और 1 रुपये के स्टैंप पर उसके साइन ले लिया हमने। तो ये था वाउचर का फॉर्मेट, इज दैट क्लियर, आप समझ में आ गया। डेबिट वाउचर का मतलब होता है जो भी मेरी कैश पेमेंट होगी, कोई भी एसेट्स में खरीद दूं, कोई इन्वेस्टमेंट करूं, बैंक में रुपया जमा करूं, मतलब पैसा जहां जा रहा है वहीं पर डेबिट वाउचर बनेगा। और सेकेंड है जस्ट इज द रिवर्स, इसका रिवर्स क्या है, डेबिट का रिवर्स क्रेडिट हो गया, क्रेडिट वाउचर। अब क्रेडिट वाउचर कैसे, इसका उल्टा बोलिए, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन प्रिपेयर में भी इनरोलिंग कैश रिसिप्ट, आप मेरे पास पैसा आएगा तो ये तो कंफर्म है, पैसा तब आएगा जब माल जाएगा या कोई भी ऐसी चीज है, तो आपने ये जो प्रिपेयर करना है बेस ऑफ द कैश रिसिप्ट, क्योंकि आप कैश वाउचर पढ़ रहे हैं, कैश में दो वाउचर आए, एक डेबिट और एक क्रेडिट है, तो डेबिट कैश पेमेंट के लिए हुआ, जो पैसा गया उसके लिए, तो क्रेडिट वाउचर होगा बेस ऑफ द कैश रिसीव्ड, जो भी पैसा मेरे पास आएगा, इधर क्लियर। तो पैसा कहाँ आ रहा है, सुनो ध्यान से, कोई भी मुझे इनकम होगी किसी भी प्रकार की, रेंट रिसीव्ड वगैरह वगैरह, कोई भी इनकम मुझे मिले, किराया मिला, कमीशन मिला, कोई भी डिविडेंड मिला। नंबर दो, कैश सेल ऑफ गुड्स, मैं वस्तु बेचूंगा, जो खरीद कर मैं बेचता हूं, तो गुड्स में बेचूंगा जब पैसा, कोई भी इन्वेस्टमेंट में सोल्ड करूंगा, सोल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहां इन्वेस्टमेंट खरीदी थे तो पैसा गया था, यहां बेचूंगा मेरे पास पैसा आएंगे तो इन्वेस्टमेंट जाएंगे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वहां सारी परचेज हुई थी और यहां पर सोल्ड हो रही है। डेटर से कोई भी पैसा मिला, वहां क्रेडिटर के हमने पेमेंट की थी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर कौन है, जिसका हमने उधार माल बेचा, वो पैसे देने आया जब रिसिप्ट काट के दी थी आपने, और कोई भी पैसा मैं बैंक से विड्रॉ करके लेके आता हूं, मेरे पास कैश विद
ड्रोन, मेरा पैसा बैंक में जमा है, बैंक से जब मैं निकलवा के लाऊंगा तो कैश मेरे पास आएगा। तो इन दिस केस, छह केसेस में हमारे पास रुपया आ रहा है। तो रुपया आ रहा है तो कौन सा वाउचर बनेगा? क्रेडिट वाउचर बनेगा। पेमेंट हुई तो कौन सा वाउचर बना? डेबिट वाउचर। अब देखिए इसका फॉर्मेट सेम उसी तरह से क्या है इसका फॉर्मेट? ये वाली साइड खत्म नहीं बनेगी। आपकी फर्म का नाम, मैसर्स जो भी है, वाउचर नंबर कितनी तारीख को, ठीक है? उसके बाद वहां डेबिट बार लिखा था तो स्टूडेंट यहां क्या लिखोगे? क्रेडिट। कितना अमाउंट की भी हो उस बार टोटल, ठीक है? गुड्स सोल्ड ऑन द कैश मेमो हम काट के देंगे, क्योंकि रुपया हमें मिलेगा तो कैश मेमो हम दे रहे हैं, वहां हमें मिली थी, यहाँ हम कैश मेमो काट के दे रहे हैं, क्योंकि वो नगद पैसा आ रहा है हमारे पास, तो कैश मेमो नंबर, सिग्नेचर यहाँ पे फिर वही अकाउंटेंट के और यहाँ सिग्नेचर मैनेजर। आप देखो लिखना क्या है, क्रेडिट में सुनना, मैं ट्रांजेक्शन बताता हूँ। मैंने 25,000 रुपए का नगद माल बेचा तो मेरे पास कितने रुपए आए? 25,000 आए। सेल हुई, बिक्री हुई तो रुपया मेरा आया, वो तो कैश मेमो नंबर पे लिख दिया। तो यहां का वर्ड लिखा जाएगा वो क्या हुआ था, आपने ना सेल अकाउंट, बिक्री हुई, कोई भी चीज यहां पे जो होगी, जो आपसे जा रहा है माल बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट, एनी इनकम, रेंट रिसीव्ड, जो भी वर्ड वहां ही लिखना है। आपके पास कितने रुपए आए? 25,000। टोटल कितना? 25,000। सिग्नेचर या अकाउंटेंट के या मैनेजर के, ये है आपका क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर का रिवर्स है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर में सर यहाँ था जो पैसा रिसीव उस कैंडिडेट ने किया है, हम पेमेंट किए हैं, तो वहां उसके साइन ले लेते हैं, और वो भी साइन किस पे लेंगे? जब ट्रांजेक्शन 5,000 रुपए से ज्यादा होगी तब रिवेन्यू स्टैंप पे, आइदर 5,000 से कम ट्रांजेक्शन पे कोई साइन नहीं लिया जाएगा। आपने मैसेज वहां भी यही था, सेम वाउचर नंबर था, डेट था, यहाँ पर क्रेडिट की जगह उसमें डेबिट था, यहाँ क्रेडिट है, वहां डेबिट क्या था? ओपीसी टू में कंप्यूटर खरीदे थे, पैसे आपसे गए थे, कैश मेमो नंबर उसने काट के जो दिया था उस कैंडिडेट से, कंप्यूटर जो आप कैश का बिल लेके आए थे वो लिखते हैं, यहाँ हम अपना जो कैश मेमो कार्ड उसके नंबर लिखेंगे। कितने रुपए का माल बेचते हैं? 25,000 रुपए का माल बेचते हैं, सिग्नेचर ऑफ द अकाउंटेंट एंड मैनेजर। तो ये था आपका क्रेडिट वाउचर। कैश वाउचर में दो, डेबिट और क्रेडिट है। नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर, नॉन कैश, डेबिट भी और क्रेडिट भी, इसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं। ये कब बनता है? सीधी सी बात है, नॉन कैश, जैसे नाम से विदित है, जो कैश नहीं है, नॉन कैश वाउचर वो वाउचर होता है जो ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जो उधार माल के लिए, चाहे खरीदा या बेचा, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट हो, चाहे एसेट्स हो, चाहे गुड्स हो, चाहे कोई भी रिटर्न हो, चाहे डेप्रिसिएशन हो, चाहे बैड डेट्स हो, सब चीजें जिनको कैश में, जिसका कैश में कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए, बैड डेट्स कैश में नहीं होते, डेप्रिसिएशन कैश में नहीं होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होती है, इन सबको नॉन कैश वाउचर में दिखाते हैं। तो हम ये कहेंगे नंबर 1, 4, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल, क्रेडिट ही चाहे परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट ही परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
जितनी भी ट्रांजेक्शन चाहे खरीदी या बेची, यहां दोनों बात कर रहा हूं मैं, हमने क्या की थी कैश वाउचर में पेमेंट और रिसिप्ट का अलग अलग बनाया था। यहाँ पे एक ही वाउचर बनता है जो नॉन चाहे क्रेडिट के अंदर, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, कोई भी वापिस करते हैं, चाहे परचेज वाली है चाहे शेयर वाली, जिसे परचेज रिटर्न शेयर रिटर्न बोलते हैं, किसी भी प्रकार का डेप्रिसिएशन अगर प्रोवाइडिंग किया जा रहा है वो भी इसमें दिखाया जाएगा। और बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होता है, जो पैसा हमारा डूब जाता है, बैड मान पूरा डेट्स मान देना, डेटर होते हैं, डेटर मान जो पैसा हमारा डूब गया। डेप्रिसिएशन क्या है, जो वस्तु हम यूज करते हैं उसकी कीमत में धीरे धीरे कमी आती है, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन का बकायदा लेसन भी आएगा आपके नेक्स्ट 16-17 जो भी लेसन है वो डेप्रिसिएशन का लेसन आएगा। तो दीज आर द ट्रांजिशन रिगार्डिंग ऑफ द नॉन कैश वाउचर। आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए, इस नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ट्रांसफर वाउचर, आपने लिख दिया ट्रांसफर वाउचर, ठीक है। इसके बाद देखो वहां डेबिट का अलग बना था क्रेडिट का, यहां दोनों बनेंगे, डेबिट भी और क्रेडिट भी। सबसे पहले आपने डेबिट, इधर डेबिट और क्रेडिट, अब वहां पता लगेगा डेबिट होना है क्रेडिट होगा वो बताया जाएगा, वो परचेज या सेल थी। आपने कोई भी डेबिट करना है तब जब कोई माल आप खरीदते हैं, सेल करें तो यहां पर देखो डेबिट का मतलब होता है जो माल आपके पास आया खरीदेंगे, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस इन लॉसेस होता है और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है। जब मैं माल खरीदूंगा तो परचेज अकाउंट, मैंने यहां लिखना है माल खरीदा परचेज अकाउंट, जो खरीदे उसकी डिटेल यहाँ पे लिख दूंगा क्या क्या खरीदा। इसने जैसे माल लेते हैं, जो भी मैंने माल खरीदा, 100 फैंस खरीदे, सीलिंग फैन 500 रुपए का एक था उसकी कीमत। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिक का सामान था, जैसे माल लेते हैं ये कहता है ट्यूबलाइट खरीदी, 100 ट्यूबलाइट खरीदी, 100 रुपए के हिसाब से 10, टोटल होगा 60,000। आप देखे ये क्रेडिट है उधार, तो इनवॉइस उसने बिल काट के दिया होगा आपसे, तो उस बिल के नंबर लिखने यहाँ पर, उधार आपने उधार खरीद लिया है, परचेज अकाउंट डेबिट, जो भी खरीदा आपने क्रेडिट, बिल नंबर कितना रुपए देना है, किससे खरीदा है, ये तृप्ति इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से। तो यहां देखो डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी, वहां क्या था ओनली नेटवर्क, नेटवर्क देखिए स्ट्रेस, वहां आपने क्या था ओनली डेबिट डेबिट बना था, क्रेडिट में क्रेडिट बना था, यहां बोथ डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि उधार माल आपने खरीदा है तो यहां परचेज अकाउंट डेबिट, टू किससे खरीदा उसका नाम, कितने रुपए देने हैं वो यहां पर 60,000 है, तो 60,000 ही देते यहां पे, ठीक है। और फिर वही सिग्नेचर होगा यहां नीचे, अकाउंटेंट एंड सिग्नेचर होगा मैनेजर। इसमें एक छोटा सा वर्ड और है कंपाउंड वाउचर, डेसिडेंट कंपाउंड वाउचर उसे कहते हैं जिसमें एक से दो ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, यही परचेज के जगह एक चीज और लिखते हैं उसे कंपाउंड कहते हैं। यहाँ दो नाम आ गए, कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त इकट्ठे, कोई भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट वाउचर में हम दो बार लिख देते हैं तो उसे कंपाउंड वाउचर कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स ये लेसन आपका फिनिश कंप्लीटेड हो चुका है, अब चलिए अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क जो भी मैं हाईलाइट करके भेजूंगा प्लीज उसको आपने राइट और डाउन करना है अपने शेयर नोटबुक में। क्या करना है, वाउचर का मीनिंग,
डिफरेंस एंड टाइप्स विद फॉर्मेट, तीन फॉर्मेट बनेंगे और कंपाउंड ऑब्जेक्ट, राइट और लेफ्ट दोनों करने हैं और ये लेसन आपका कंप्लीटेड। आप चलिए डियर स्टूडेंट्स अपने डाउट सेशन। स्टूडेंट्स वेयर मास्क हैंड सैनिटाइजर, कीप डिस्टेंस मेंटेन, स्टे होम स्टे सेफ। चलिए डाउट सेशन में वेरी सो सैड ओनली सिक्स स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, डेली वही छह स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वेट एंड वॉच, मैं आपसे दस कह रहा हूं आज के बाद मैं नहीं कहूंगा, मैं तब सीधा ये है कि स्कूल तो खुलेंगे तो 100% है, उस दिन फेस टू फेस बात करेंगे। अब तो ठीक है भाई, आप आपके पास राइट है क्योंकि आपकी मनमानी चल रही है घर में, क्लास ली तो ली, ना ली तो ली, और लेने के बाद आप क्विट करके डाउट सेशन में आए तो आए, नहीं आए मैं प्रेजेंट उन्हीं को मान लूंगा ये बता देता हूँ जो डाउट सेशन में आएंगे। मैं अटेंडेंस राइट डाउन कर रहा हूँ, जो कैंडिडेट के डाउट सेशन में उन्हीं को प्रेजेंट मानूंगा। ये नहीं है 10 मिनट के लिए आगे, 2 मिनट के लिए एक बार ज्वाइन किया और उसके बाद अटेंडेंस दिया और फिर भाग गए, एक को भी नहीं मानूंगा। केवल 6 स्टूडेंट्स को मैं मान रहा हूं यहां पर प्रेजेंट, ज्यादातर जिनकी अटेंडेंस आ रही है। मैं एक फिर बता देता हूं, जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर ली और अब मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, जिसे मैं लास्ट वार्निंग फॉर यू, आज के बाद मैं नहीं कहूंगा, ठीक है? और उस कहने का तरीका आप यू नो वेरी वेल, ठीक है? अभी तक क्योंकि वाकिफ नहीं है आप मेरी नेचर से, जिस दिन आमने सामना होगा आप तो स्कूल में ही होगा, ठीक है? ओके, फायदा नुकसान आपको पता है, क्या फायदे हो रहे क्या नुकसान हो रहे यू नो वेरी वेल। अब आप बच्चे नहीं है, 11th क्लास में हो गए। हाँ जी बोलिए यासिका। देखो इन दोनों में सीधा सा अंतर यह है, ये एक दूसरे पर आश्रित है। तो हमने क्या पढ़ा है, तीसरा जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, ये है कि एक्चुअल में जो भी है फुल डिटेल। अब कैश मेमो बनाते हो आप, सुनो, कैश मेमो में सारी डिटेल लिखते हैं ना आप, और इसके अंदर क्या होता है, हम सारी डिटेल के साथ साथ और भी लिखते हैं। हम खाली एक कैश मेमो की बात नहीं, हम क्रेडिट की भी लिखते हैं, कोई पैसा आता जाता। वाउचर में तो ऑल ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट सारी लिखी जाते हैं, जो वाउचर आज आपने पढ़ा है। और फोर्थ पॉइंट है आपका कि एविडेंस ऑफ, केवल उस ट्रांजेक्शन का एविडेंस देता है, केवल वो कैश मेमो का एविडेंस बताता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट और ये सब चीजों का एविडेंस बताता है। और बोलिए काजल। ओके यस कौशिक, यस कौशिक माइक ऑन कीजिए, तनिष शर्मा है नहीं, तनिष यस कौशिक माइक ऑन करो, यस कौशिक माइक ऑन कीजिए प्लीज। यस कौशिक मेरी आवाज पहुंच रही है? खाली ज्वाइन होने से मतलब नहीं है कि आप ना बोले और माइक ऑन ना करके। यस कौशिक मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, बोलिए प्लीज। चलो आप तक आशीष जांगिर से बात करते हैं। आशीष फर्स्ट सेकंड पहले पॉइंट में क्या है, एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर बनता है, वाउचर से सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, दोनों एक दूसरे का आधार है। और दूसरा है सोर्स ऑफ नोट प्रिपेयर्ड ऑफ द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, इसमें ट्रांजेक्शन सारी रिकॉर्ड नहीं होती है, केवल कैश मेमो में कैश की होती है, क्रेडिट में क्रेडिट की, और इसमें सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। पलक कंपाउंड वाउचर होता है, जिसमें जैसे मान ले सैलरी और रेंट इकट्ठा देते हैं तो उनको दोनों को इकट्ठा लिख के उसे कहते हैं कंपाउंड वाउचर, दो ट्रांजेक्शन एक साथ इकट्ठी लिखे उसे कंपाउंड वाउचर कहते हैं।
चाहे वो डेबिट में लिखे चाहे क्रेडिट में, टू ट्रांजेक्शन इकट्ठी लिखे। जैसे मान लेते हैं हमने सैलरी और रेंट पेड किया है, पलक गौन, पलक गौन एंड आज जस्ट फॉर सेक, मेन अकाउंट की जो मेन है उसके अंदर ये हाल है, तो इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस। कॉमर्स लेने का फायदा क्या है फिर? जो बंदा अकाउंट को मेन नहीं पढ़ रहा ढंग से, क्या मेन अकाउंट तो बैकबोन है कॉमर्स की और उसके अंदर वो सीरियस नहीं है? 4 से 5 कैंडिडेट आते हैं, इट इज नॉट फेयर। चलो जी, पलक से संपर्क नहीं हो पा रहे हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम। यस कौशिक, मेरी आवाज सुन रहा है? माइक ऑन। यस कौशिक, नहीं आ रही मेरी आवाज? पलक, पलक, कंपाउंड वोचर का मतलब होता है जैसे मान ले हमने सैलरी और रेंट इकट्ठे दिए हैं, तो सैलरी और रेंट दोनों को डेबिट में लिख दे तो वो होता है कंपाउंड वोचर। टू ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन इकट्ठा लिखे उसे, चाहे वो डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में। पलक, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पलक, ये स्टूडेंट्स आपके वीडियो है ये, सिया स्कूल ऐप पर भी अपलोडेड की जाती है, जिसमें क्लास वर्क, होमवर्क वगैरह जो आज का काम है वो एक दिन छोड़ नेक्स्ट डे पर मिलता है। जैसे मैं आज जो डाली गई वो डबल एंट्री सिस्टम की वीडियो डाली गई है, डबल एंट्री सिस्टम का होमवर्क है, सिया स्कूल ऐप पर डेली प्रोवाइडेड किया जाता है। और ये जो रिकॉर्डिंग होती है वो आपको आफ्टर टुडे जो हैंड टू हैंड आपको रिकॉर्डिंग मिलती होगी, जिसको आप देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को हैंड टू हैंड अपने डाउट सेशन में या कोई कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पर भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। पलक, मेरी आवाज सुन रहे हो आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, और प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप पर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे।